नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आईटी सक्सेस एजुकेशन पर। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही कि मैं आपके लिए नई कोई ना कोई नई जानकारी लेके आता रहता हूं, तो इस बार भी मैं आपके लिए एक बिहार सरकार ने जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने आईटी इंस्ट्रक्टर के लिए एग्जाम लिया था, जो परीक्षा आयोजित करवाई थी सितम्बर में, उसके बारे में एक बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हम उसके बारे में हम बात करते हैं कि ये नोटिफिकेशन क्या है, क्यों जारी किया गया है। आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि सबसे पहले ऊपर लिखा है दिव्यांगता की जांच हेतु आवश्यक सूचना, विज्ञापन संख्या 7/2023 है, 36/2023 है, और निदेशक के विभिन्न पदों पर ये भर्ती आई थी। और ये आईटी जो आईटी वाले के लिए ये भर्ती थी जो सितंबर में एग्जाम हुआ था उसके बारे में है। सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था वो 7/9/2023 को था, 9/9/2023, 10/9/2023 और 16/9/2023 को उसका लास्ट एग्जाम लिया गया था। उनमें से जो कैंडिडेट हैंडीकैप्ड थे उनके लिए बोर्ड ने अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो कैंडिडेट है डिसबिलिटीज है उनके लिए 8/2/2024 को दो शिफ्टों में, प्रथम वाली 10 बजे से 1:30 बजे तक और सेकंड शिफ्ट 2:30 बजे से 6 बजे तक दिव्यांगता की जांच गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग हार्डिंग रोड पटना में आयोजित किया गया है। जो कैंडिडेट जिनका एग्जाम सितंबर में आईटीआई में 7/9/2023, 10/10/2023 और 16/10 को हुआ था, जो कैंडिडेट उसमें डिसबिलिटीज वाले थे उनके लिए उनके सर्टिफिकेट की डिसबिलिटी सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के लिए उनको 8/2/2024 को डिपार्टमेंट में बुलाया गया है। और साथ ही जो कैंडिडेट ने डिसबिलिटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते समय अपलोड किया था वो सर्टिफिकेट साथ में लेके जाना जरूरी है, वहां पे वहां चेक किया जाएगा। और इसमें हम देख लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट कितने थे। पहली शिफ्ट में जो टोटल जो एग्जाम है कैंडिडेट हैं वो उसकी जो संख्या थी वो है 103, टोटल कैंडिडेट 103 है, आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 103 कैंडिडेट है। और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें 104 कैंडिडेट है, फर्स्ट में 103 सेकंड में 104, टोटल कैंडिडेट जो है 107 कैंडिडेट है, 207 कैंडिडेट है। और इससे ये भी उम्मीद लगाई जा सकती है कि जो आईटीआई का एग्जाम सितंबर में हुआ था इंस्ट्रक्टर के लिए अभी उसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। जल्दी ही एससीबीटी वाले एग्जाम के बाद जल्दी ही इसकी आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगी और जल्दी ही इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो सकता है। उम्मीद है कि फरवरी तक इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और सेकंड नोटिफिकेशन जो जारी किया है उसके बारे में भी हम देखते हैं कि सेकंड जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या बोला है, क्या लिखा है। सेकंड नोटिफिकेशन की बात करते हैं दोस्तों, ये भी बिहार टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ये जारी किया है, सामने आपको स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा। और ये जो नोटिफिकेशन है इसकी विज्ञापन संख्या 38/2023 है, 52/2023, और ये जो नोटिफिकेशन है ये डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए है। जिस भी कैंडिडेट ने डिप्लोमा और डिग्री का एग्जाम दिया था इंस्ट्रक्टर के लिए, जिसका एग्जाम 1/1/2024 से शुरू होके 2/1/24, 3/1/24, 4/1/24, 8/1/24 एवं 9/1/24 को आयोजित हुआ था, उनके लिए जो डिसबिलिटी सर्टिफिकेट जो डिसबिलिटीज कैंडिडेट हैं उनके लिए 9/2/2024 को मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट वाले 10 बजे से 1:30 बजे तक एवं सेकंड शिफ्ट वाले जो हैं 2:30 बजे से 6 बजे तक अपने डिसबिलिटी सर्टिफिकेट जांच के लिए बोर्ड में जाएंगे। उन्होंने एक दिन दे रखा है 9/2/2024 को ओनली ये उसके लिए जाएंगे। इसमें वही है कि ऑनलाइन आवेदन जो आपने अप्लाई किया था उसमें जो सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो साथ में लेके जाना है, वहां पे लेके जाना अनिवार्य है, वहां पे चेक किया जाएगा। इसमें देख लेते हैं टोटल जो डिप्लोमा और डिग्री में हैंडीकैप्ड वाले जो कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्लियर करके। पहली शिफ्ट में जो है वो 135 है और सेकंड शिफ्ट की बात करते हैं तो ये 134 है। पहली शिफ्ट में 135, सेकंड शिफ्ट में 134। ये जो कैंडिडेट है ये डिप्लोमा और डिग्री वाले हैं, जो पहले मैंने बताया है वो आईटीआई वाले कैंडिडेट है जिनका कि एग्जाम सितंबर में हुआ था। और
आपको पता ही होगा कि डिप्लोमा डिग्री वालों के आंसर की तो आ चुकी है और जल्दी ही उम्मीद है कि SCVT वालों का एग्जाम होने के बाद IT वालों की आंसर की भी साइट पे अपलोड हो जाएगी और जल्दी ही रिजल्ट आने की संभावना है। फरवरी तक इसका जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप ITI सक्सेस एजुकेशन को चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताजो आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।